तो नमस्कार आदाब सस् श्रीकाल दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पर रेड की तैयारी कर रहे हैं और यूनिट नाइन हम पढ़ रहे हैं यू, नो यूनिट आठ यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व यूनिट अपनी बच्ची हुई हैं नाइन्थ यूनिट भी हमने लगभग आधी हमने पढ़ ली है तो अगर आपको पीछे की यूनिट्स देखनी है कि हमने अब तक क्या तैयार किया है जो बच्चे नए चैनल से जुड़ रहे हैं वो प्ले में जाके सारा सिलेबस देख सकते हैं जैसा कि अपना रीट का सोशल साइंस का सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया हुआ है कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो सिलेबस में लिखा हुआ है और हमने छोड़ दिया है तो इतना ज़्यादा वाइड तरीके से रीट की तैयारी आपको शायद ही किसी चैनल पे मिलेगी जैसा कि सिलेबस में लिखा गया है एक एक शब्द यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया है तो हम खनिज संसाधन पढ़ रहे थे दोस्तों खनिज हमने शुरू कर दिए थे और कुछ खनिज हमने पढ़ भी लिए थे जैसा कि हमने लोहा पढ़ लिया था लोहा कहाँ कहाँ होता है जयपुर के मोरिजा बानोल क्षेत्र में दोसा के निमला रायसेला में सीकर के निमका थाना में और उदयपुर के नाथरा के पाल और थुर उंडेर में होता है इसके अलावा जो तांबा है दोस्तों तांबा होता है झुंझुनू के खेतड़ी सिंगाना में अलवर के खोदरीवा में और भीलवाड़ा के पूर्दरिबा में इसके अलावा जो मैगनीज है दोस्तों मैगनीज धात्विक खनिज था हमने देखा था और जो सामरिक महत्व के चीज़ें होती हैं सैन्य सामान बनाने में बैटरी बनाने में औषधि और रंगरोधन रोंगन की चीज़ें बनाने में यूज़ में आता है और दो ही क्षेत्र उसके इम्पोर्टेंट थे बांसवाड़ा का लीलवाड़ा लीलवाड़ा और तलवाड़ा क्षेत्र और उदयपुर का नेगड़िया इसके बाद में स्वरूप था सीसा सीसा जस्ता सीशा जस्ता भी हमने पढ़ लिया था उदयपुर का जावर क्षेत्र में राजसमंद के राजपुर दरेबा और बामनिया कला क्षेत्र में भीलवाड़ा के रामपुरा आगुचा और सवाईमाधोपुर का वरवाड़ा क्षेत्र में ये चार खनिज हमने पढ़ लिए थे आज इससे आगे के अध्ययन करेंगे दोस्तों तो सब टंगस्टन जो आता है दोस्तों तो टंगस्टन में भी एकाधिकार है राजस्थान का हमने पीछे पढ़ लिया है या वुल्फ्रेमाइट अयस्क से निकलता है जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण खनिज है ना उनके अयस्क भी पूछ ले जाते हैं तो ये कौन से अयस्क अयस्क से निकलता है वुल्फ्रेमाइट अयस्क से सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये दूसरा यह भी सामरिक महत्व का खनिज है जिस तरह मैगनीज था ना सामरिक महत्व का उसी का ये उसी तरह का ये भी खनिज है और देश में प्रथम स्थान है किसका राजस्थान का इसलिए राजस्थान का क्या है इस पर एकाधिकार है देश में सबसे ज़्यादा टंगस्टन राजस्थान में ही होता है तो दोस्तों टंगस्टन का नाम आते ही एक चीज़ तो आपको सबसे याद आ जाने चाहिए नाम आते ही कि सबसे ज़्यादा टंगस्टन नागौर के डेगाना क्षेत्र में होता है है ना तो देखो टंगस्टन है ना टर्ट ही आ रहा है ना वो डेगाना टट है है ना ऐसे सेम से नाम आते हैं ना डेट है ये सेम से नाम है ना तो टंगस्टन डेगाना टंगस्टन डेगाना डेगाना कहाँ पे है नागौर में तो नागौर का डेगाना क्षेत्र दोस्तों बहुत फेमस है और एग्जाम में अगर टंगस्टन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो ज़्यादातर ये देते हैं डेगाना ही देते हैं ये तो कम इम्पोर्टेंट है देंगे तो डेगाना देंगे ठीक है ऐसे देंगे निम्न में से डेगाना क्षेत्र प्रसिद्ध है कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है या फिर टंगस्टन राजस्थान में उत्पादित किया जाता है उसमें एक नाम देंगे डेगाना भाकरी और मोस्टली सिर्फ डेगाना ही लिखते हैं नागौर का डेगाना क्षेत्र तो डेगाना तो सपने में भी याद होना चाहिए टंगस्टन का नाम लेते ही नाम आना चाहिए दूसरा टंगस्टन के साथ ही डेगाना ठीक है नागौर का डेगाना क्षेत्र में <coughs> दूसरा होता है सिरोही के वालदा वडोदरा में और पाली के पद्राला पहाड़ियों में और बीजापुर क्षेत्र में तो पद्राला क्षेत्र बीजापुर क्षेत्र तो है पाली के सिरोही का है वालदा वडोदरा और नागौर का है डेगाना भाग भी इम्पोर्टेंट सबसे ये है और दो चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर बना रहे हैं तो मे भी शायद सिरोही का वालदा वडोदरा ऐसे कुछ देते पर ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं तो इनमें से नहीं आएगा क्वेश्चन क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ और मैंने बहुत सालों के पेपर देखे भी हैं और बहुत सारा अनुभव भी है तो यही क्वेश्चन बनता है इसमें से अब्रक दोस्तों राजस्थान का अब्रक उत्पादन में दूसरा स्थान है अब्रक की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों ये विद्युत का कुचालक होता है इसमें से कुचालक मतलब इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है जिस तरह से लोहा में इनमें करंट का प्रवाह हो जाता है ना ऐसे ही अब्रक जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है <coughs> भीलवाड़ा के नाथ की नेरी में और उदयपुर के चंपागुड़ा क्षेत्र में अदरक पाया अब्रक पाया जाता है इतना महत्वपूर्ण नहीं है वैसे अबरक लेकिन कई बार दे देते हैं तो भीलवाड़ा के नाथ की नेरी और उदयपुर के चंपागुड़ा क्षेत्र में अबरक यहाँ पे अपने निकलता है एसबेस्टोस इंपॉर्टेंट है दोस्तों एसबेस्टेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का एकाधिकार था एसबेस्टस में ठीक है तो देश में प्रथम स्थान और सीमेंट की चादरें जो बनती है ना सीमेंट की टिन्स जो बनती है उनमें एस्बेस्टेस का उपयोग किया जाता है सबसे इम्पोर्टेंट तो इनमें है ये ऋषभदेव सलूम्बर क्षेत्र उदयपुर का सबसे ज्यादा एसपेस्ट तो यहाँ से निकलता है उदयपुर के ऋषभदेव और सलूंबर क्षेत्र से अगर एसपेस्ट में से क्वेश्चन बनता है तो यही मेन आएगा ऋषभदेव और सलूंबर क्षेत्र अगर आप आर एस मेन्स की तैयारी कर रहे हो ना तो अगर तो, तो फिर आपको ये दो दो तीन तीन स्थान रखना ही होंगे जैसे राजस्थान में खनिजों का विवरण दे, दे देंगे या फिर यू ही दे देंगे कि एसपेस्टोस खनिज के स्थान राजस्थान में बताइए तो वो अलग बात है लेकिन जो बच्चे मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे आर एस प्री हो गया ये सब हो गए प्री में लेवल टफ़ कर सकते हैं प्री में इन क्षेत्रों में से भी दे सकते हैं मैं आर एस प्री की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्री में थोड़ा सा लेवल टफ़ हो जाता है बाकी जो थर्ड ग्रेड सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड और जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम होती है उन सब में यहाँ तक के ही क्वेश्चन आते हैं इनसे बाहर नहीं आएगा ठीक है लेकिन हमको वाइड तैयारी करनी है हमें फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेक्शन लेना है आगे चल के तो हमें याद रखना है कि उदयपुर के ऋषभदेव और सलूम्बर क्षेत्र तो फेमस है एस्पेस्टस के लिए ठीक है है ना और इसके अलावा एस्पेस्टस कहाँ मिलता है राजसमंद के नाम द्वारा तिबी क्षेत्र में और डूंगरपुर के पिपरदा और देवल क्षेत्र में एस्पेस्टस निकाला जाता है और एस्पेस्टस का राजस्थान का एकाधिकार है देश में सबसे ज़्यादा एस्पेस्टस राजस्थान में ही होता है जिन खनिजों का एकाधिकार जिन खनिजों पे एकाधिकार है राजस्थान का वो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है और बार बार यहाँ भी मैं आपको बताते जा रही हूँ कि इस पे एकाधिकार है अगर फिर भी आप भूलते हो तो वो आपकी गलती है क्योंकि इतना आपको डीप डीप तरीके से कोई नहीं बताएगा बार बार कि हाँ इस पर अपना एकाधिकार है इस पर नहीं है तो बहुत ज़रूरी है एकाधिकार वाले जो भी खनिज हैं उनमें तो एक एक क्षेत्र का तो नाम याद रखना ही रखना है सबसे पहले तो ये याद रखना है कौन से खनिज में एकाधिकार है और सेकंड कि जिनमें एकाधिकार है वो मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये आपको याद रखना ही है जिप्सम जिप्सम में भी एकाधिकार है दोस्तों देश में प्रथम स्थान पे जिप्सम राजस्थान उत्पादित करता है जिप्सम से सीमेंट बनती है जिप्सम से रासायनिक खाद मतलब उर्वरक जो होते हैं वो बनाने में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है ठीक है खेतों की जो शारीयता कम करने के लिए जो शारीय हो जाते हैं ना खेत हमने देखा है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो हमने पढ़ा है उसके मतलब मैं मैंने आपको प्रभाव नहीं पढ़ाए है अपने यहाँ पे क्योंकि वो रिटर्न एग्जाम्स में काम आते हैं अपने यहाँ पे काम नहीं आने वाले रीट में लेकिन अगर उसके मिसयूज मिसयूज छोड़ो उसकी थोड़ी सी हानियाँ अगर अपन देखते हैं तो क्या होता है भूमि खारी हो रही है जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर पानी भरा रहता है ना तो नीचे से जो खारापन है वो भूमि के ऊपर आने लगता है केशिकाकत्व की के क्रिया के कारण है ना तो भूमि खारी हो गई तो शार्यता इस चीज़ को कम करने के लिए भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है शारियता को भूमि की शार्यता को कम करने के लिए ठीक है अब जिप्सम का नाम आते ही जैसे कि टंगस्टन में नागौर का डेगाना भाकरी क्षेत्र था ना जिप्सम में भी नागौर का गोठ मंगलोद और भदवासी क्षेत्र बहुत फेमस है दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है इवन राजस्थान में नहीं टो तो, पूरे इंडिया में फेमस है कि गोठ मंगलोद और भदवासी दोनों क्षेत्र कहाँ हैं नागौर में ही है और दोनों क्षेत्र किसके लिए है जिप्सम के लिए है और वो भी याद रखना टंगस्टन के लिए भी नागौरी था लेकिन वहाँ क्या था डेगाना भाकरी क्षेत्र ठीक है टंगस्टन में और यहाँ क्या है गोठ मंगलोद और भदवासी भदवासी सबसे मेन तो और फिर सेकंड नंबर पे गोठ मंगलोद दोनों याद रखने हैं दोनों में से क्वेश्चन बनता ही बनता है अगर खनिजों में से क्वेश्चन आता है तो तो जिप्सम कहाँ पाई जाती है भदवासी नागौर गोठ मंगलोद नागौर में इसके अलावा बीकानेर के जामसर धिररेरा सियासर और लून लूणकर्णसर में और गंगानगर के पिसरासर क्षेत्र में भी जिप्सम निकाली जाती है ये हो गई अपनी जिप्सम इम्पोर्टेंट है क्योंकि एकाधिकार वाला खरीज है भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही पाया जाता है और नागौर के भदवासी नागौर में और गोठ मंगलोद नागौर में यह पाई जाती है जामसर धिररेरा सियासर लूणकरणसर इनमें बीकानेर में और गंगानगर का बिसरासर क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत जिप्सम निकाली जाती है इसके अलावा दोस्तों रॉक फॉस्फेट है रॉक फॉस्फेट में भी एक अधिकार है अपना देश में प्रथम स्थान है रॉक फॉस्फेट उत्पादन करने में राजस्थान का और रासायनिक उर्वरक जहाँ जिप्सम यूज होता है ना शार्यता मंगाने में और लवणियता कम करने में वहाँ रॉक फॉस्फेट भी यूज होता है दोनों के उपयोग थोड़े थोड़े सेम से ही है है ना उर्वरक भी इससे बनाए जाते हैं खाद भी बनाए जाते हैं और वही शार्ययता और लवणता भूमि के कम करने में काम आता है अब रॉक फॉस्फेट में भी हमारा एकाधिकार है तो कम से कम एक स्थान तो अपन को याद होना ही चाहिए इसका तो वो है उदयपुर का जामर कोटड़ा क्षेत्र दोस्तों तीन बार तो शायद एक बार आर एस में आ चुका एक बार रीट में आ चुका और फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है यह क्वेश्चन झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है तो झामर कोटड़ा रोक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है जितना बड़ा रोक फॉस्फेट का नाम है उतना ही बड़ा इसके उत्पादक क्षेत्र का नाम है झामर कोटड़ा कहाँ स्थित है उदयपुर में स्थित है तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों जामर कोटड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं और क्योंकि बड़ी एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आ चुके होते हैं जो छोटी एग्जाम्स होती हैं उनमें वो क्वेश्चन आते ही आते हैं उन्हीं में से ज़्यादातर उठाए जाते हैं देखिएगा अगर आपको रीट जैसे सिलेक्ट रीट में सिलेक्शन लेना है ना आपको तो आप पटवारी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप आ एस प्री के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए मे बी शायद बहुत कम क्वेश्चन अपन को आएंगे लेकिन अपना लेवल उस टाइप का बन जाएगा कि जब जब रीट का रीट का पेपर देने लगेंगे ना तो वो बहुत इजी लगेगा अपन को रीट का पेपर क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन तो जो बड़ी एग्जामों में आ चुके होते हैं ना रीट में वो ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं जैसे एक गाइड आती है लक्ष्य उसमें एक नया इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले दो तीन सालों से कि जो हर चैप्टर के पीछे जो पीछे पुराने एग्जामों में उन चैप्टर में से जो क्वेश्चन आए हुए 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 होते हैं ना वो ऐड किए हुए होते हैं तो आप देखिएगा कि उसमें सब क्वेश्चन के आगे लिखा होता है आर एस प्री दो हज़ार सोलह आर एस प्री दो हजार बारह वही क्वेश्चन आप देखोगे रीट 2010 ऐसे करके कि मतलब आप देखोगे कि जो भी बड़ी एग्ज़ामों में क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो रीट के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं सेकंड ग्रेड में भी रिपीट हो रहे हैं है ना तो ये क्वेश्चन जैसे और एग्जामों में आ चुके तो इनमें रिपीट होने की संभावना भी होती है और खनिजों में अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षेत्र नहीं है मतलब खनिज अच्छे मिलते हैं लेकिन जो फेमस क्षेत्र है ना क्वेश्चन उनमें से ही बनते हैं तो झामर कोटड़ा क्षेत्र बहुत फेमस है रॉक फॉस्फेट के लिए इस इसके अलावा जैसलमेर का बिरमानिया लाठी क्षेत्र और बांसवाड़ा का सेलोपेट क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट है ठीक है अब है दोस्तों घिया पत्थर अब घिया पत्थर कहाँ निकालता है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है घिया पत्थर लेकिन राजस्थान में पत्थर बहुत मिलते हैं संगमरमर हो गया घिया पत्थर हो गया बालू का पत्थर हो गया तो थोड़ा थोड़ा इनका ध्यान संगमरमर तो फिर भी इम्पोर्टेंट है घिया पत्थर इतना ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा बस ये ध्यान रख लो कि इन इन जिलों में ये मिलता है तो उदयपुर के देवपुरा लोहागढ़ नायरा के पाल ऋषभ देव भीलवाड़ा के देवरिया चांदपुरा में और दौसा के डागोथा झरना क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है चाहे तो छोड़ भी सकते हो लेकिन मेरा फर्ज था पढ़ाना तो जिन बच्चों को वाइडली पढ़ना है वो लोग याद कर सकते हैं ठीक है संगमरमरमर और देख लेते हैं उसके बाद में आगे के खनिज हम कर देखेंगे संगमरमर के उत्पादन में राजस्थान का राजसमंद जिला प्रथम स्थान पे है दोस्तों वैसे तो नागौर का संगमरमर फेमस है लेकिन आप ये सोच के ये मत कर देना कि फर्स्ट स्थान में नागौर का है नहीं फर्स्ट स्थान है राजसमंद का राजसमंद में राजस्थान का सबसे ज्यादा संगमरमर उत्पादित किया जाता है राज्य में सर्वाधिक खनन पट्टे जो पट्टे दिए जाते हैं ना खनिजों के उत्पादन के लिए वो भी राजसमंद जिले में ही है और राज्य में सफेद संगमरमर का जो उत्पादन होता है उसमें नागौर फेमस है दोस्तों नागौर का मकराना का संगमरमर जो हम सुनते हैं कि ताजमहल भी उसी से बनाया गया था तो वो नागौर में है जहाँ पे सफेद रंग का संगमरमर निकलता है इसके अलावा संगमरमर सिर्फ एक ही रंग का नहीं निकलता है अलग अलग कलरों का होता है तो हरे संगमरमर के उत्पादन में उदयपुर है काले संगमरमर के उत्पादन में दोस्तों जयपुर है गुलाबी संगमरमर के उत्पादन में राजसमंद और पीले संगमरमर के उत्पादन में जैसलमेर तो, तो आप इस तरह से याद रखिएगा हरा तो कहाँ मिलता है हरा मिलता है उदयपुर में अपने यहाँ पे काला मिलता है जयपुर में अपने यहाँ पे कौन सा मिलता है काला संगमरमन मिलता है जैसलमेर में दोस्तों हर चीज़ पीली ही मिलती है माटी भी पीली है वहाँ की पत्थर भी पीले ही हैं तो संगमरमर भी पीला ही निकलेगा इसके अलावा क्या बच गया इसके अलावा बच गया गुलाबी गुलाबी संगमरमर निकल रहा है राजसमंद से ठीक है तो थोड़ा सा डाटा है याद हो जाएंगे इतनी बड़ी बात नहीं क्योंकि बेसिक नॉलेज है राजस्थान का इतना अपन को पता ही होता है वाइट संगमरमर नागौर का फेमस है ठीक है तो अब उत्पादित जिले देख लेते हैं थोड़े से नागौर में तो है मकराना बोरवड़ क्षेत्र राजसमंद में है राजनगर केलवा क्षेत्र जयपुर में है आंधी वैसलाना क्षेत्र जो अपन काला संगमरमर जयपुर में पड़ा ना वो जयपुर के आंधी और वैसलाना क्षेत्र से निकाला जाता है उदयपुर का जो ऋषभदेव सलुम्बर क्षेत्र है वहीं से संगमरमर भी निकाला जाता है और जैसलमेर के मूल सागर अमर सागर कोई सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है ज़रूरत ही नहीं है कि इस जिले से ये निकल निकलता है बस आप जिले याद रख लीजिएगा कि नागौर में वाइट संगमरमर राजसमंद में गुलाबी संगमरमर जयपुर में काला संगमरमर और शायद उदयपुर में हरा संगमरमर था और जैसलमेर में पीला संगमरमर था एक बार फिर से देख लेते हैं सफेद संगमरमर नागौर में हरा संगमरमर उदयपुर में काला संगमरमर जयपुर में गुलाबी संगमरमर राजसमंद में और पीला मिलता है जैसलमेर में है ना तो बस आपको इतना ही याद रखना है और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है राजसमंद में मिलता है सबसे फेमस कहाँ का है नागौर का सबसे फेमस है जिससे ताजमहल बनवाया गया था तो आज के लिए इतने खनिज बहुत हैं दोस्तों चार मतलब पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह सात खनिज हमने पढ़ लिए चार हमने पहले पढ़ लिए थे ठीक है और बाकी के अब छोटे मोटे से खनिज बचे हैं वो हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें जिन भी बच्चों को इनकी ज़रूरत है थैंक यू वेरी मच